ओमेगा के बच्चों ने बिहार में फिर एक नया कीर्तिमान किया स्थापित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस प्रथम सत्र 2023 का रिजल्ट सोमवार देर रात जारी कर दिया। इसमें दरभंगा मिर्जापुर स्थित शिक्षण संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों के परिणाम ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उत्तर बिहार के लोग इस संस्थान पर इतना भरोसा करते हैं। वही नया कीर्तिमान स्थापित करने के उपलक्ष्य में अपने परिसर में सफल विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं पूर्व के सत्र 2019-2020-2021 एवं 2022 में ओमेगा से पढ़कर देश के विभिन्न प्रतिष्ठित IIT, NIT एवं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बच्चों के साथ सम्मान समारोह आयोजित कर सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया एवं बच्चों के साथ जश्न मनाया। इधर उक्त मौके पर संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि JEE मेंस 2023 के रिजल्ट के माध्यम से संस्थान के विद्यार्थियों ने फिर एक बार यह साबित कर दिया है कि समर्पित प्रयास सदैव इतिहास गढ़ता है। ठाकुर ने बताया कि बच्चों के सच्चे लगन, शिक्षकों के सही मार्गदर्शन, अनुकूल शैक्षणिक वातावरण एवं बच्चों का सतत कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष भी 12 फरवरी को OTSC की परीक्षा ली जा रही है, जिसका फॉर्म निःशुल्क भरा जा रहा है। विशेष रूप से मानस 99.40%, अमर कुमार 99.25%, मेघा 98.91%, चेतन 98.86%, कौस्तुभ कुमार 98.84%, आलिया 98.81%, ऋतिक 98.78%, साक्षी 98.78%, रिया 98.75%, अनन्या शिव 98.18%, मुस्कान 98.03%, लवप्रीत 97.61%, नयन 97.12%, अपूर्वा 97.10%, सहित रमन, रिया, रिझा, भास्कर, अभिजीत, हर्ष, शिवम, मनोज, किशले सहित संस्थान के 68 से अधिक बच्चों ने ओमेगा आगामी IIT एडवांस परीक्षा के लिए बेहतर परसेंटाइल के साथ चयनित किए गए हैं। वही संस्थान पिछले कुछ वर्षों से इंजीनियरिंग और मेडिकल के परीक्षाओं के लिए सर्वोत्तम विकल्प के रूप में बिहार में उभरा है। पिछले वर्ष 2021-22 में भी संस्थान के 30 से अधिक विद्यार्थियों का चयन देश के विभिन्न IIT कॉलेजों एवं दर्जनों विद्यार्थियों का चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ है। साथ ही सैकड़ों छात्र छात्राओं का चयन देश के विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हुआ है। वही संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने कहा कि यदि विद्यार्थियों के रिजल्ट के अनुपात की बात करें तो लगातार पिछले 7 वर्षों से ओमेगा स्टडी सेंटर पूरे राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देती आ रही है, जो हमारे संस्थान एवं संपूर्ण मिथिलांचल के लिए गर्व की बात है। बिहार के किसी भी एक कोचिंग संस्थान के रिजल्ट का अनुपात पिछले कुछ वर्षों में ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं ओमेगा के सभी शिक्षकगण को अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ, विशेष तौर पर मिस्टर सुमन सर और सुमित सर को मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक शिक्षक के साथ साथ एक उचित मार्गदर्शन दिया। और मुझे खुद पे बहुत गर्व है कि मैंने दरभंगा में ओमेगा का चयन किया अपने बच्चे के लिए। मुझे यह सच में प्राउड होता है कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा शहर दरभंगा में ओमेगा के नाम रूप में इन्होंने एक इतना अच्छा टीचिंग और प्लस सारी सुविधाएं दी है। मुझे फिर से अपने आप पर गर्व महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। मतलब जब रिजल्ट देखे तो बहुत एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा ही है। कितना रोल रहा है ओमेगा को आपने चुना, आपके ओमेगा को चुनने पर आपको सफलता मिली, तो कितना रोल ओमेगा का रहा? हम खुद को बहुत ज़्यादा लक्की मानते हैं कि ओमेगा को चुने। 11 से लेके मेरा 11 12 सब कुछ ओमेगा से ही हुआ है, तो मतलब ओमेगा से ही सब कुछ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हम थैंक्स सुमित सर को कहना चाहेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ जो भी और सारे टीचर्स को मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी टीचर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब भी डाउट चाहिए होता था तो तुरंत अवेलेबल होता था और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट। ट्रेमेंडस रिजल्ट, लोग जुड़ रहे हैं, कारवा बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं सुमन सर? बहुत बढ़िया, और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग हमारे टीम को इस योग्य वो बना के रखे हैं। हमारे पास ऐसे परिश्रमी छात्र हैं और भरोसेमंद पूरा टीम है। हमारे सुमित सर का मेंटरशिप है बच्चों पे, स्पेशल रैंकर्स बिल्डिंग में इन्होंने इतना अच्छा से फैसिलिटेट किया है बच्चों को, और साथ ही हमारे अभिभावक का जो अटूट भरोसा है ओमेगा स्टडी सेंटर पे। ये सारा कुछ मिला के कैसा समीकरण तैयार होता है, जिसमें आपने देखा है कि हर एक एग्ज़ाम में, एवरी एग्ज़ाम में हम लोगों का परफॉर्मेंस अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो बहुत बड़ी खुशी है ये पूरे मिथिला के लिए, और हमारे बच्चों ने ये जो कामयाबी हासिल की है उनका कठिन परिश्रम, सतत और जो लगन है उनमें, और हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, हमारे अनुभवी शिक्षकगण का मार्गदर्शन, सटीक जो नीति निर्देशन रहा है उनका, और उन्हीं उसी स्ट्रैटेजी के कारण, और हमारे सुमित सर, जिनके बारे में मैं हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बताता हूँ, इन्होंने तो एक तरह से जिम्मा उठा लिया है कि मिथिला के बच्चों को IIT मेडिकल पहुँचा के ही रहना है। जिस बच्चे में थोड़ी सी भी ये इच्छा हो कि मुझे IIT जाना है, मुझे मेडिकल करना है, तो मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को
जिनमें सिर्फ जाने की ललक थी, परिश्रम करने का इच्छा था, इनके गाइडलाइन में हमारे शिक्षक के साथ उन बच्चों ने जो कामयाबी हासिल की है, ये एक स्वप्न के साथ। पीछे चलिए आप। एक बार फिर ओमेगा परिवार ने ट्रेमेंडस रिजल्ट दिया है, आप उसके पार्ट हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छे रिजल्ट के पीछे बच्चे का हार्डवर्क होता ही है, बट आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है गाइडेंस, एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना, और वो टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे बहुत अच्छे से हमें प्रोवाइड किया है, उसके लिए हमने थैंक किया। कितने घंटे की पढ़ाई? वो डिपेंड करता था कि लेकिन तीनों सब्जेक्ट को हम इक्वल इक्वल टाइम दिया था और उस हिसाब से। ओमेगा का रोल तो रहा है, सेल्फ स्टडी का भी रोल रहा है इसमें? हाँ, सेल्फ स्टडी भी रहा है। और आई थिंक कामयाब हुए हैं आप। ओमेगा का कितना रोल रहा है, पेरेंट्स का कितना रोल रहा है, आपकी पढ़ाई का कितना योगदान रहा है? इस मेरी रिजल्ट में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उससे भी बड़ा योगदान सुमित सर का रहा है, और मेरे पूरे फैकल्टी मेंबर्स का, ओमेगा स्टडी सेंटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे रिजल्ट में। जो भी दिक्कतें होती थी, चाहे किसी भी कोई भी डाउट वगैरह, तो सर बहुत अच्छे से अरेंज कर देते थे। वहाँ पे रैंकर बिल्डिंग पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे आप कैसा महसूस करते? बहुत अच्छा है सर।